डंकी और सलार की जंग को देखने के बाद मनोज जिसाई कहते हैं कि ये पागलपन है, क्योंकि शाहरुख खान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और इतने बड़े सुपरस्टार के सामने अपनी मूवी रिलीज करना यानी कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। शाहरुख खान जैसा कोई नहीं और उनकी मूवीज भी काफी बड़ी मूवीज साबित होती है, तो ऐसे में सलार की डेट को अगर थोड़ा आगे करते हैं तो वो भी काफी अच्छी मूवी साबित हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिलेंगे, और वहीं डंकी मूवी तो हर सिनेमा में लगेगी, तो इसका मतलब कि शाहरुख खान हिंदी में सलार को फोड़ देंगे। और अगर हिंदी में सलार ने अच्छा कलेक्शन नहीं किया तो वो मूवी 1000 करोड़ या 500 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। वहीं ओवरसीज में भी शाहरुख खान का सिक्का चलता है, तो वहां भी स्क्रीन्स में काफी बड़ी कमी आएगी, क्योंकि सलार को इतनी स्क्रीन्स नहीं मिलेगी। यानी कि इस बात को हर कोई जानता है कि डंकी और सलार के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर सुपर हीरो है तो वो है शाहरुख खान, और ऐसे में डंकी काफी बड़ी मूवी साबित होने वाली है। विक्रम राठौड़ बन के शाहरुख खान ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही मचाई है, उसके बाद शाहरुख खान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ऐसे में सालार वाले इस बात को भूल गए हैं कि आगे किंग खान है, जिन्होंने अपनी पठान मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और तो और इस मूवी के डायरेक्टर भी काफी जाने माने डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमेशा से सुपर हिट ही मूवीज दी है, अब तो किंग खान के साथ मूवी बनाई है, तो मानो कितना बड़ा बवाल आने वाला है। और इस मूवी का जो रिकॉर्ड है वो इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। और वहीं जवान और पठान की सक्सेस के बाद शाहरुख खान का हर कोई इंतजार कर रहा है। अगर डंकी मूवी में शाहरुख खान एक बार फिर से अपना जलवा दिखाने में कामयाब हुए तो कहीं ना कहीं डंकी भी बॉक्स ऑफिस को फोड़ देगी, यानी कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा जिसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है डंकी और सलार की जंग में कौन बनेगा सबसे बड़ा विजेता, कमेंट में लाजमी लिखना। और जिस तरीके से शाहरुख खान ने जवान मूवी के अंदर तबाही मचाई है, क्या उसके बाद शाहरुख खान का कोई मुकाबला कर सकता है? क्या विक्रम राठौर से डायनोसर का टकराना डायनोसर की तबाही का मकसद हो सकता है? कमेंट में लाजमी लिखना। अगर आप शाहरुख खान के या फिर प्रभास के फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोनों पैन इंडिया मूवीज की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।